वेलकम। आज अपने लोग देखेंगे एक मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट मेथड था। तो अभी जो मैं बताऊँगा वो सेकेंड मेथड बताऊँगा। तो जो फर्स्ट मेथड है जिसको मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप अगर देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, यानी कि आपको मतलब मन तृप्त तृप्त हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो कैच है, कैच क्या है आपको समझना ही है। जो फर्स्ट मेथड जो मैंने अपलोड कर चुका है, ठीक है, मैंने बता रखा है, तो वो तरीका ऐसे ऐसे सवाल पे सब पे लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका, ये सब पे लागू नहीं होगा। उसके लिए एक चीज रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, एक पार्टिकुलर फॉर्म रहना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दो है, ठीक है, तो यहाँ पे रहना चाहिए दो का फॉर्म, यानी कि दो, यहाँ भी दो रहना चाहिए। आप बोले सर यहाँ तो 32 है, 32 है, आपको उससे क्या लेना देना है। लिख तो सकते हैं ना आप दो के फॉर्म में, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना, इस टाइप का। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देखो, तो वो जो तरीका है वो सब पे अप्लाई होगा। लेकिन अभी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अभी जो जिस वीडियो का आप देख रहे हो, अभी जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, ये तरीका सब पे लागू नहीं हो सकता है। ये तरीका आपको लागू करने के लिए आपको एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो शर्त क्या है, एक जैसा रहना चाहिए। दो है, दो है, दो है, तो दो दो रहना चाहिए, पांच पांच रहेगा तो 5-5 रहना चाहिए, 7-7 रहेगा तो 7-7 रहना चाहिए। बात समझना, आप बोलेगा सर यहाँ पे क्यों, कहाँ है, दो है, दो है सर एक जैसा, लेकिन ये दो कहाँ है, नहीं है, तो आपको दो करना पड़ेगा। देखिए आ भी जाएगा 32 है तो 2 का पावर 5 इस टाइप का। क्लियर, लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपने लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, बस इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन को उतारना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आप धड़ाधड़ आप थोड़ा फॉर्मूला सबको याद कीजिए, एक डब्बा बनाइए, अब आप रिलेट कीजिए इसका दोस्त कौन है। देखिए दो है, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आपको जूनियर क्लासेस में आप पढ़े हुए वो चीज, ये ए का पावर एम रहेगा और यहाँ पे एन रहेगा, तो इसको ए का पावर एम, पावर में है एम तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी दो हो गया, तो इसको करेक्ट करो, यहाँ पे एक है तो 1/2 क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा फिर यहाँ पे गुने, फिर यहाँ पे दो है तो 2, ये 1 ऊपर में चला गया और ये 4 नीचे में चला गया, ये 12 है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 12 है, ये 12 है, ठीक है, सॉरी 12 है। अच्छा फिर गुने 32, फिर यहाँ पे 1 है, 1 ऊपर में चला गया, ये 12 नीचे चला गया। अच्छा कोई दिक्कत, ओके, कैसे किया मैंने सेट, इस पर इसको सेट किया। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके चुपचाप उतार देंगे। 32 को लिख सकते डियर स्टूडेंट, इसे लिख सकते ना, फिर 1/12 यहाँ दे देंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने एक लाइन बचाया, 32 है तो 32 को लिख सकते 2 2 4 2 8 2 16 2 32, क्योंकि 32 को ऐसे करके लिख सकते ना, 2 16 2 8 फिर 2 4 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे 2 2 तो वह ना 1 2 3 4 5 5 हो गया, गुना में पावर जुड़ता है, 1 2 3 4 5 2 का पावर 5 इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा फिर यहाँ पे बराबर दूंगा, फिर यहाँ पे ये दे दूंगा, फिर इसको ऐसे करके उतार दूंगा, फिर गुना, अब यहाँ पर भी फिर एक डिपा दो, फिर एक डिपा दो। अब हमें एक बात बताओ, ये ए है, इसका पावर एम है और ये एन है, तो इसको देख के आपको याद आ रहा है ना, जूनियर क्लास में समय इसका फॉर्मूला सब आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, घातांक और करनी टाइप का फॉर्मूला सब होता है इसका, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्लियर, अब देखो कोई भी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो ये जो अभी ये जो है ना, इसका मतलब गुना, तो एम एन को गुना किया, तो यहाँ भी देखो 2 है, अब 5 इसको गुना करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। इसको फिर मैंने एक लाइन बचाया, एक लाइन बचाया, दैट मीन्स क्या, देखो एक लाइन बचाया, दैट मीन्स क्या, ये हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब 1/12 2 का पावर 5 है, और ये का मतलब क्या होता है, कोई भी ब्रैकेट रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, कोई भी ब्रैकेट रहेगा, गुना दे देंगे 1/12 यहाँ पे उतार देंगे, बात समझे, बराबर 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 5 बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, 12 को 100 गुना करेंगे तो 12 हुआ ना, 5/12, 5 को 100 गुना के तो 5, 12 को 100 गुना के तो 12 हो गया, 2/12 मतलब 2/12 नहीं, 2 का पावर 5/12। अच्छा हो गया, ओके, अब इसको देखिए फिर आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, इसको देखिए क्या याद आ रहा है, गुना में पावर जुड़ता है तो 1 का पावर m होता है, 1 का पावर n होता है, तो बराबर 1 का पावर m जो है, देखो ये ए ही वाला नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते हो, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो p का पावर मान लीजिए s, p का पावर s t, जोड़ p का मतलब गुना देगा p का पावर u, तो ऐसे भी कर सकते हो, गुना में पावर जुड़ता है तो s जोड़ t जोड़ u, कुछ भी ले सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, कुछ भी ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि 1 का पावर m लिखे, तो बुक समय ये जगह दिया रहता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है।
अब यहाँ पर ही नहीं देखो, दू को आते यहाँ पे तीन को, उससे आपको क्या लेना देना, आपको देखना है कि इसका जो इसको आधार बेस बोलते हैं, देखो बच्चे लोग इसको जो है ना, इसको जो है ना, इसको आज ना इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू लोग, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो देखो ये हो गया, तो दो क्लियर। अब यहाँ पे देखो पावर जोड़ा है, इसका पावर एम है, इसका पावर एन है, फिर एक ओ रहता है, तो मतलब सबको जोड़ा है ना पावर, तो इसको 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 जोड़ दो, जिन्हें क्लास में पढ़े हो गए इसको इसको जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो, अच्छा हो गया, फिर यहाँ पे बराबर दो, ओके अच्छा। अब यहाँ पे दो दो, फिर आप लकीर करो, भिन्न जोड़ आपको आता ही है, तीन चार बारह का एलसीएम करो, तो तीन चार बारह का एलसीएम करो, तीन चार बारह का, तो पहले दूसरा लगता है, तो मैं अभी शॉर्टकट में बना रहा हूँ, तीन तीन का तीन चार नहीं है, तीन चौका बारह, और फिर यहाँ पे चार से, ये गलत बनाए हैं, पहले दूसरा लगता है, देखो पहले दूसरा लगाएंगे उसके बाद तीन से उसके बाद, मैं हम आपको अभी हम टीचर को थोड़ी चेक करेंगे, हम तो रब वर्क करें इसलिए बारह हो गया इसका, ठीक है अच्छा। आपको इसलिए पहले तीन से लगा दीजिएगा, पहले दूसरा लगेगा, अच्छा लगने का रहेगा तो नहीं लगेगा तब तीन से, इसे पता है आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया बारह, अब तीन को कितना पड़ेंगे बारह आएगा, चार बार वो चार को ऊपर का से गुना करेंगे तो चार ही होगा, फिर प्लस चार को कितना पड़ेंगे बारह आएगा, तीन बार वो तीन को ऊपर का एक से गुना करेंगे तो तीन ही होगा, फिर बारह को कितना पड़ेंगे बारह आएगा, एक बार उस एक को पांच से करेंगे तो यहाँ पे पांच होगा, होता है ना इस टाइप का नहीं होता है, देखो एक बट्टा तीन जोड़ एक बट्टा कुछ भी ले लो पांच, तो क्या होता है यहाँ पे सात ले लो, ठीक है यहाँ पे दो ले लो हटाओ, तो तीन पांच पंद्रह हो गया, फिर तीन को कितना पड़ेंगे पंद्रह, पंद्रह आएगा पांच बार, आप ऐसे भी कर सकते हो, पंद्रह को ऊपर रख सकते हो, तीन को नीचे नहीं पता है तो पांच हो गया, या पर डिवाइड भी कर सकते हो, ये सब पता है आपको, प्रीवियस वीडियो में तो मैं भर भर के बताया हूँ ये सब, तीन को कितना पड़ेगा पंद्रह आएगा, पांच बार उस पांच को गुना करेंगे ऊपर वाला से, यहाँ पे न्यूमिरेटर वाला से, तो सात, तो मैं एक लाइन बचा दिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया पैंतीस बट्टा पंद्रह, और यहाँ पे जोड़ तो जोड़, फिर पांच या पंद्रह, तो पांच या पंद्रह, तो तीन गुना छह, मतलब मैंने ये वाला लाइन बचा दिया, ये हो गया, फिर यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है आपको इधर बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दो आए तो दो दे दो, ओके चार तीन सात और पांच बारह हो गया, बारह हो गया, फिर यहाँ पे देखो ऐसे करके बट्टा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया बट्टा हो गया, फिर बारह है तो बारह हो गया, अब बताओ ये और ये कट गया, तो बारह कण बारह, बारह एक कण बारह, तो दो का पावर एक बट्टा एक, तो यहाँ पे बराबर बराबर देखे, तो दो का पावर एक बट्टा एक, तो दो का पावर एक, तो बराबर दो, इतना नहीं लिखना डिटेल में, क्योंकि ज्यादा ही आप लोग मतलब क्लियर हम कर दिए, ऐसे नहीं बनाना, डायरेक्ट देखो ये रहेगा बारह रहेगा डायरेक्ट हो गया, अब इस पर से क्या कीजिएगा ऐसे ऐसे करके कैंसिल कर दीजिएगा, बस दो आंसर, अब ये नहीं उतना खोचा छोड़ा के नहीं बताने की जरूरत है, दो है बारह का बारह, ये क्या हुआ एक बटा एक, फिर एक बटा एक को एक लिख सकते हैं, फिर दो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, अब ऐसे कंपटीशन में हो ऐसे भी है कि ये रहता है एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, चार गो ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, चार गो ऑप्शन दिया रहेगा बात समझे ना, जैसे कि बी है बी ए में एक रहेगा तो इस पर ठीक मार्क आगे बढ़ो लिख दो आंसर आंसर बी का, उतना टाइम नहीं रहता, मैंने अभी बताया ना हम तो वीडियो बना के दे देंगे, बाकी चलता रहेगा, तो इसलिए मैं अभी अच्छा से बता दिया, हो गया ये समझ के, बारह बटा बारह, बारह का मारा, बारह का मारा, तो हम एक बटा एक, तो एक बटा एक को एक लिख सकते हैं, दुका पाप एक, तो एक है एक छुप गया ना, किसी का कोई भी चीज लिख देगा, सबका मालिक एक, पांच है एक, सात है, किसी का दुका पाप कुछ नहीं तो एक है, ठीक है अच्छा, जिसका पावर कुछ नहीं रहता एक रहता है, तो ये अपने लोगों का क्या हो गया आंसर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो ऐसे करके, डिब्बा में भी घर सकती हो, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप हमें लाइक करो, कमेंट तो पक्का कर दो, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको फिर से अच्छा से रिप्लाई करके बना देने का, पक्का लाइक करो सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड सबको के साथ आई हमारी रिक्वेस्ट कि शेयर कर देना, कि लोगों को भी पता चले कि क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड हम करवाते हैं, और साथ ही आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए लेकिन एक कंडीशन है माई से रिलेटेड आना चाहिए, आप हमें कमेंट करो, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक्स टेक केयर लव यू ऑल, सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा।